हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मोटो एक्सप्लोर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज्ड कार्स के बारे में। मैं आ गया हूँ बजट कार्स में, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। आज मैं आ गया हूँ बजट कार्स में। यहाँ पे आपको हर तरह की कार आपको मिल जाएंगी और हर बजट में आपको मिल जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टिल 40-50 लाख रुपीज़ तक आपको कार्स यहाँ पर अवेलेबल है। या आप इनकी कार्स के कलेक्शन को देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, सिर्फ कार्स ही कार्स दिख रहे हैं मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, और एक चीज़, मैं एक छोटा सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप कार सेल या बाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपको मैं इसका इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, इसका रेयर सीट, और ये थर्ड रो, और ये कुछ इस तरह से दिखती है कॉन्डो की फ्रंट सीट्स, आई मीन फ्रंट कैबिन व्यू। इसे रेयर से आप देख सकते हैं कैसे लगती है। तो इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। और ये इसकी फ्रंट व्यू, सामने ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो पीछे से स्टार्ट किया। चलिए इसके डिटेल्स भी देख लेते हैं। क्वांटो C6 2015 मॉडल की है, 54,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 5,30,000 रुपीज़, जो कि नेगोशियबल है। आप बजट कार्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके आप इस कार को इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार जो हमारे लिस्ट में आ रही है वो है मारुति सुजुकी अर्टिगा VDI। इसका फ्रंट व्यू, ये 2014 मॉडल की है और ये डीजल वर्जन है। चलिए आपको मैं इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, और ये सिर्फ 76,000 किलोमीटर चली है। और इसका रेयर सीट व्यू, रूफ टॉप एसी, ये थर्ड रो, और पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है। चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है अर्टिगा VDI 2014 मॉडल की है, 76,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 7,50,000 रुपीज़, जो कि नेगोशियबल है और ये हाईली नेगोशियबल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की ओर। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो 2011 मॉडल की है, ये एलॉय व्हील्स के साथ। चलिए इसके इंटीरियर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, इसका रेयर सीट व्यू,
कार एकदम मिंट कंडीशन में है। अरे थर्ड रो, ये इसके रेयर एसी वेंट्स, और ये फ्रंट कैबिन कुछ इस तरह से दिखती है। और ये इसका रेयर व्यू, चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। महिंद्रा स्कॉर्पियो SLE 2.2 एम हॉक टू व्हील ड्राइव इंजन है, 2011 मॉडल की है, 75,000 किलोमीटर चल चुकी है ये, और इसका आस्किंग प्राइस 5,60,000 रुपीज़ नेगोशिएबल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार जो हमारे लिस्ट में आ रही है वो है महिंद्रा XUV 500, 2012 मॉडल की है ये, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये फुल व्हील ड्राइव है, W8, ये इसके इंटीरियर्स, फ्रंट कैबिन व्यू, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। और ये रेयर सीट्स, रेयर एसी वेंट्स, और ये थर्ड पैसेंजर रो, चलिए इसका बूट भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह से दिखती है। इसका रेयर व्यू, चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। महिंद्रा XUV 500 फुल व्हील ड्राइव W8 2012 मॉडल की है, 98,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, और इसका आस्किंग प्राइस 7,80,000 रुपीज़ है, जो कि नेगोशिएबल है। कार बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ही। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है रेनॉल्ट डस्टर, ये आप देख रहे हैं, ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, और ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और ये इसकी रेयर सीट, और इसमें आपको मिल जाएंगी एलॉय व्हील्स। चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। ये डस्टर RXZ AMT DCI 2017 मॉडल की है, 38,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसकी आस्किंग प्राइस है 10,30,000 रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल है। ये इसका फ्रंट व्यू, सामने स्पेस नहीं होने के कारण मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है TUV 300, और ये भी आप डीजल वर्जन देख रहे हैं, T8 वर्जन है ये। इसका रेयर व्यू, इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगी। चलिए आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। और ये इसका साइड और फ्रंट व्यू, चलिए इसके इंटीरियर्स भी देख लेते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटीरियर्स है इसके।
मर्सिडीज़ का रेयर सीट भी आपको दिखा देता हूँ। और ये इसकी थर्ड रो, तो चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है TUV 300 T8 डीजल वर्जन है, ये भी 2016 मॉडल की है। इसकी आस्किंग प्राइस है 7,50,000 रुपीज, नेगोशियबल। फ्रेंड्स हमारा लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है स्कोडा रैपिड, ये वाइट कलर में आप देख रहे हैं। फिर इसके इंटीरियर्स में आपको दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, ये इसका रेयर सीट व्यू, इसके फ्रंट कैबिन कुछ इस तरह से दिखती है। और ये पीछे से कुछ इस तरह से दिख रही है। चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स में मैं आपको दे देता हूँ। यह है स्कोडा रैपिड MPI, पेट्रोल वर्जन है, 84,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। उसका आस्किंग प्राइस 4,80,000 रुपीज़ है। कार बिल्कुल मिंट कंडीशन में दिख रही है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने मैकेनिक को आप साथ में लेके आए। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है होंडा सिटी IVTEC, पेट्रोल वर्जन है, और ये आप देख रहे हैं वाइट कलर में, और ये 2013 मॉडल की है। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, बिल्कुल न्यू कंडीशन में कार है। इसमें आपको अलग से LCD डिस्प्ले भी मिल रही है। और ये बैक सीट व्यू, चलिए आपको इसकी डिटेल्स भी दे देता हूँ। फ्रेंड्स ये है होंडा सिटी मैनुअल ट्रांसमिशन IVTEC 2013 मॉडल की है। इसकी आस्किंग प्राइस 5,80,000 रुपीज़ है, और ये 73,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। आप बजट कार्स में आके इसको आप देख सकते हैं इस कार को। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है मर्सिडीज बेंज C-Class 2004 मॉडल की है। ये अभी भी बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। ये इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू, चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट कैबिन, और ये इसका रेयर सीट, रेयर एसी वेंट्स, और इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। चलिए आपको मैं इसका रेयर व्यू दिखा देता हूँ। ये C200, चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं बेंस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2004 मॉडल की है, उसकी वैलिडिटी 2024 तक है। उसकी आस्किंग प्राइस है 4,50,000 रुपीज़, नेगोशियबल।
फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं होंडा सिटी, ये 2009 मॉडल की है और ये आप रेड कलर में देख रहे हैं इसको। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। चलिए आपको इसके रियर सीट्स भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये है होंडा सिटी 1.5 VIVTEC मैनुअल ट्रांसमिशन, 2009 मॉडल की है और ये 84,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 3,70,000 रुपीज़ और ये पेट्रोल वर्जन है ये। आप बजट कार्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है हुंडई वर्ना, 2013 मॉडल की है ये। इसमें आपको मिल जाएंगे एलॉय व्हील्स। चलिए आपको मैं इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट कैबिन व्यू, चलिए आपको इसके रियर सीट्स भी दिखा देता हूँ। ये वुडन पैनल के साथ और ये इसका बैक सीट। ये इसका रियर व्यू आप देख रहे हैं। चलिए इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स भी मैं आपको दे देता हूँ। यह वर्ना फ्लूइडिक डीजल वर्जन है ये, 1.6 SX 2013 मॉडल की है, 67,000 किलोमीटर चल चुकी है ये और इसकी आस्किंग प्राइस है 6,10,000 रुपीज़ नेगोशियबल। और ये कार बिल्कुल मिंट कंडीशन में है ये। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है वॉक्सवैगन जेटा, ये आप देख रहे हैं ये भी डीजल वर्जन है और ये 2011 मॉडल की है ये। चलिए मैं आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये। चलिए आपको इसके रियर सीट भी दिखा देता हूँ। रियर एसी वेंट्स और ये बैक सीट। और ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है जेटा। इसमें आपको मिल जा रही है फैंसी नंबर 7799। चलिए इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यह है जेटा 2.0 CRDI ऑटोमेटिक हाई लाइन वर्जन, 2011 मॉडल की है ये, 86,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 7,50,000 रुपीज़ नेगोशियबल। आप बजट कार्स को या फिर डायरेक्टली मुझे आप इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शायद मैं आपको इसके लिए अच्छी ऑफर्स दिला पाऊँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की ओर। फ्रेंड्स हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है फिएट लीनिया, लीनिया एमोशन, ये भी डीजल वर्जन है और ये 2010 मॉडल की है ये। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू,
और ये इसका रेयर व्यू। इसमें आपको मिल जा रही है रेयर एसी वेंट, साथ में पावर विंडोज, और ये इसकी रेयर व्यू। चलिए इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं फीएट लीनिया इमोशन, 2010 मॉडल की है ये, 72,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 3,10,000 रुपीस, नेगोशियबल। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है हुंडई एसेंट CRDi, ये डीजल वर्जन आप देख रहे हैं और ये 2005 मॉडल की है मेटालिक सिल्वर कलर में। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, इसका रेयर सीट व्यू, इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये डीजल वर्जन है 2005 मॉडल, आस्किंग प्राइस 2,50,000 रुपीस, नेगोशियबल। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में आती है हुंडई एक्सेंट GLS, ये पेट्रोल वर्जन है, 2008 मॉडल की कार आप देख रहे हैं। चलिए आपको मैं इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, इसका रेयर कैबिन व्यू, इसके प्राइसिंग और डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये है एसेंट GLE, 2008 मॉडल की है ये, 1,28,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी आस्किंग प्राइस है 2,65,000 रुपीस, नेगोशियबल। तो आप कमेंट्स में बताएं कैसे लगी आपको ये एसेंट। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट कार आती है XUV500, 2012 मॉडल की है ये और ये भी फुल व्हील ड्राइव है। चलिए आपको इसके इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट कैबिन व्यू, ये इसका रेयर सीट व्यू, रेयर एसी वेंट, और ये थर्ड रो की सीट्स। चलिए आपको इसका बूट स्पेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अरे, केबिन कुछ इस तरह से दिखती है। और ये इसका रेयर व्यू, चलिए आपको इसकी प्राइसिंग और डिटेल्स भी दे देता हूँ। XUV500 फुल व्हील ड्राइव, 2013 मॉडल की है, 82,000 किलोमीटर चल चुकी है ये और इसकी आस्किंग प्राइस है 8,50,000 रुपीस, जो कि नेगोशियबल है। बजट कार्स में आके आप देख सकते हैं इसको, इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जितने भी कार्स आपने देखी हैं इसमें से अगर आपको कोई भी कार अच्छी लग रही हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप बजट कार्स को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप कार्स कहीं से भी आप परचेज करें, आप अपने मैकेनिक को आप साथ में ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि कार बाहर से दिखने में जितनी भी अच्छी लगती हो, इंजन दिखवाना या कार्स के और भी चीज़ें दिखवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप परचेज़ करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप टेंशन फ्री होकर आप चला सकें। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अपनी कार को सेल करवाना चाह रहे हैं या आप कहीं से भी कार परचेस करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझे डायरेक्टली वहीं पे मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोटो एक्सप्लोर एंड बाय बाय, टेक केयर एंड यू नो व्हाट टू डू।